कमर दर्द, सियाटिका, बैक पेन, कमर में अकड़न, गर्दन में अकड़न, गर्दन में जकड़न, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, आर्थराइटिस, गठिया, जोड़ों का दर्द, नी जॉइंट पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया, वात, वात रोग, सारे के सारे ठीक होते हैं, सब ठीक होते हैं। कोशिश तो करके देखिए, सब ठीक होंगे। कैसे ठीक होते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन्स होती हैं, किस तरह से होम्योपैथी में मेडिसिन्स का यूज किया जाता है, और इन रोगों को भगाने का तरीका क्या है, या यदि ये हो गए हैं तो किस तरह से डिसीजन लेंगे आप इनको ठीक करने के लिए, चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं डॉक्टर विभूति शर्मा का ये लाइव वीडियो। मैं चाहता हूं आपको ये बताना कि जो भी मैंने बातें शुरू में की, उन बातों का एक विशेष मतलब है। वो मतलब ये है कि जो दवाइयां आप खा रहे हैं, दर्द की दवाइयां, कैल्शियम की दवाइयां, जोड़ों के दर्द की दवाइयां हो सकती हैं, कैल्शियम की हो सकती हैं, पेन किलर्स बहुत सारी होती हैं, उसके बाद फिर एक एंटासिड होता है, इतनी दवाइयों की ज़रूरत पड़ क्यों रही है हमको? अब पता है इतनी दवाइयों की ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए। हम लोगों ने एक रूटीन बना लिया दवाई खाने का, दवाई खाने की एक मानसिकता बना ली है हमने, और हर बार हम उस मानसिकता की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। जितनी भी बीमारियां, जॉइंट पेन और बाकी सारी चीज़ें, सर्वाइकल पेन, हर चीज़ बहुत इजीली ट्रीटेबल है। कुछ मेडिसिन की लिस्ट मैं आपको दूंगा, उन मेडिसिन की लिस्ट को फॉलो कीजिए, आराम से ठीक हो जाएंगे आप। लेकिन उसके साथ में मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैं ज़्यादा दवाइयों के साथ में पे बात करने की जगह, या सिम्टम्स पे, लक्षणों पे बात करने की जगह, लाइफ स्टाइल ठीक करने पे जोर देता हूँ। और मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि खाना सुधार लो, खाना सुधार लो, खाना सुधार लो। दूध पीते नहीं हो, दूध पीना चालू करो, नाटक नहीं चलेगा। हरी सब्जी नहीं खाते हो, विटामिन सी मिलता नहीं, बोलते खट्टी चीजें मत खाना, नाटक नहीं चलेगा। ये सब नाटक है, ये सब नाटक है, नहीं खाने के बहाने हैं। हर किसी को कैप्सूल खाने की आदत हो गई है, हमको कैप्सूल खाने की आदत हो गई है, हमको विटामिन सी का कैप्सूल चाहिए। क्यों कैप्सूल चाहिए? नींबू है, विटामिन सी के फ्रूट्स है, वो कब कौन खाएगा? हमको कैल्शियम खाना है, लेकिन हम दूध नहीं पी सकते। हमको खट्टा खाने मना किया है कि जॉइंट पेन होता है। कौन से खट्टे से जॉइंट पेन होता है? इमली साल में कितने बार खाते हो? नींबू साल में कितने बार खाते हो? दही कितना खाते हो? दही खाने से किसी को पेन नहीं होता, क्योंकि जब दूध पीते हैं तो दूध पीने के बाद, पेट में जाने के बाद, वो ऐसे ही दही में कन्वर्ट होने वाला, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। ये तो बेसिक बुनियादी बात है, कौन डरा रहा है आपको? क्यों डर गए भाई इतना? खाना स्टार्ट तो करो। हरी सब्जियां, फल, सलाद, सब्जियों की जूस, फलों को कच्चा खा जाइए, खाने की कोशिश कीजिए। फ्रूट तो हम तब खाते हैं जब हमको, हम कभी किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जा रहे हो या खुद बीमार हो। लाइफस्टाइल कब चेंज होगी? लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, जिंदगी जीने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, खाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। खाने 5 मिनट लगता है आपको खाने में, आराम से बैठ के इत्मीनान से, चैन से कुछ खाना खाना है, अच्छे से खाइए। पूरा तरीका बेकार, बेबुनियाद स्टाइल में चल रहा है। न जाने हमने ऐसा तरीका कहां से ईजाद किया। इस तरीके को सुधारें, अपने सुबह की शुरुआत अच्छे हल्के भोजन से करें, नाश्ते से करें, फ्रूट से करें, वेजिटेबल से करें। दोपहर में जो खाना आप खा रहे हैं, 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में हो, कोशिश करें फिनिश हो जाए, और पूरा दाल चावल सब्जी रोटी अचार पापड़ घी तेल पूरी, आप जितना खाना बेसिकली खाते थे उनको खाइए। अब आप बोलेंगे कैसे पॉसिबल है? तो भैया ये तो हो गई बदमाशी या आलसीपन। क्यों? क्योंकि कैसे खाएंगे? आपको एक बढ़िया सा टिफिन लेना है और 3-4 डब्बे का टिफिन लेकर जाना है, इसमें शर्म की क्या बात है? जहां आप खा रहे हैं अच्छे से खाइए, या यदि आप 10 बजे जाते हैं तो 10 बजे पूरा खाना खा के जाइए। दोपहर का खाना जो है वो ऑप्शनल रखिए। आपने दोपहर का खाने 3 बजे कर दिया, तो सुबह का खाना आपने 3 बजे शिफ्ट कर दिया, एसिडिटी तो बनेगी ना। आपकी बॉडी को कई सालों से आदत थी, 2500 साल से आदत थी, 2000 साल से आदत थी एक विशेष टाइम पे 11 बजे के आसपास पूरा खाना खाने की, आपने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। अगर खाना इसीलिए नहीं पचता क्योंकि जो आप 2 बजे खा रहे हैं वो आप रात में फिर से 9 बजे खा रहे हैं, तो 9 और 2 का टाइमिंग देखिए ना, ड्यूरेशन कम है ना, पचने का ड्यूरेशन कम है, टाइमिंग्स कम है। जो पहले आदत थी वो अब बदल गई है। बेसिक बुनियादी बातें हैं,
इसको साइंटिफिक नजरिए से देखिए, आयुर्वेदिक नजरिए से देखिए, होम्योपैथिक नजरिए से देखिए, या किसी भी तरीके से नजरिए, या प्राकृतिक नजरिए से देखिए, सभी नजरिए एक हैं, सभी नजरियों का एक ही सिस्टम है, सभी का एक पैटर्न ही है। हम दवाइयों के बारे में क्यों बात करें, हम खाने के बारे में क्यों नहीं बात करते? हर व्यक्ति पहली बार दवाई के बारे में क्यों पूछता है? हर व्यक्ति पहली बार मैं क्या खाऊं ये क्यों नहीं पूछता? ये एक मानसिकता है, इसको चेंज करना है, इसको बदलना है। ये मानसिकता यदि नहीं बदलेगी तो बीमार होते जाएंगे, बढ़ेंगे बीमार। बहुत सारी हैबिट्स हैं, बहुत खराब खराब हैबिट्स हैं। कोई बहुत ज्यादा पाउच खा रहा है, कोई बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा टोबैको खा रहा है, कोई बहुत ज्यादा गुड़ाकू कर रहा है। खाना करना एक ही है, पांच छह बार गुड़ाकू कर रहे हैं, और ये या तो कैंसर बना रहा है या फिर पाइल्स बवासीर या फिर गैस्ट्राइटिस या पेट में अल्सर। क्यों इतना ज्यादा तमाशा कर रहे हैं हम अपनी बॉडी के साथ? बॉडी को मजाक क्यों बना लिया हमने? हम खाते क्यों नहीं है? टाइमिंग नहीं है हमारा, सोने का टाइमिंग है। ऊपर से हम दुहाई देते रहते हैं कि मेरी नाइट शिफ्ट है। भैया नाइट शिफ्ट है, दिन में जाके सो जाओ, खाना हल्का खाओ, व्यायाम करो, कुछ भी नहीं करते और केवल दवाई। बीमार होंगे, श्योर शॉट हम बीमार होंगे, और बीमार होने के बाद प्रॉब्लम होगी। जो बचाया था कमाई वो खत्म हो जाएगी दवाइयों में, हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स में खत्म हो जाएगी। आप ठीक थोड़ी होने वाले, नहीं हो पाएंगे ठीक, तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक आप दिल से ये सोच ना लें कि हाँ मुझे अपनी बॉडी के लिए काम करना है। आराम से इत्मीनान से बैठ के सोचना कि ये दो तीन वीडियो जो बैक टू बैक आपको आए हैं ऐसे क्यों आए? क्योंकि हर बार दवाई नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।